like a Hellcat. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अचिन सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये कैमरा थोड़ा हिल रहा है, सॉरी। तो रैशनल नंबर हम लोग चल रहे थे इस पर, तो आपको सभी को समझ में आ गया होगा रैशनल नंबर में अभी तक जो भी मैंने बताया। अब आज मैं एक टप क्वेश्चन लेके आया हूँ एडवांस सॉल्यूशन के रूप में आपके सामने बेटा। सो अगर आप लोगों ने इसको सॉल्व करते हैं हमारे साथ, इस पूरी वीडियो में बने रहें, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा ईजीएस्ट सबसे सरल तरीका इस क्वेश्चन को करने का। और अगर आपने इस तरीका सीख लिया तो फिर ऐसे सारे कठिन से कठिन, टप से टप क्वेश्चन आप चुटकी बजाते ही कर पाएंगे। ओके, तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को इन 3, 2, 1। तो आप देख पा रहे हो कि हमने सबसे पहले क्या किया बेटा, हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं 3/5 and 3/4। तो वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम, हमें जो नीचे का डिनोमिनेटर है उसको सेम बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 की, और 3/4 में जो 4 है उसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5 की। और जैसे कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का फॉर्मूला होता है बेटा, If we are multiplying something in the denominator, same number we have to multiply with the numerator. यानी कि ऊपर नीचे अंश और हर में उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो हमने ऊपर भी 4/4 की कर दी और नीचे 3/4 में 5/5 की। तो फिर हमें क्या मिल जाता है बेटा, 12/20 and 15/20। अब क्वेश्चन में आप देखिए, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 3/4। तो 12 और 15 यानी 12 and 15 के बीच में क्या हमारे पास 10 रैशनल नंबर्स हैं? नहीं हैं। तो फिर हम क्या करेंगे उसको मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट स्टेप में। अभी तक आप समझ में आया ना बेटा? अगर समझ में आता है आपको तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको समझ में आता है। और जल्दी ही मैं ऐसी क्लासेस शूट करूँगा जिसमें कि मैं आपको फेस के साथ पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आऊँगा। अभी मेरे पास थोड़ा ब्लूटूथ स्पीकर नहीं है, वो मंगवाए हैं मैंने, कल परसों में आ जाएंगे, उसके बाद में हमारी क्लास अलग ही होगी। तो बने रहिए बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ठीक है, जिससे कि मेरी नई तरह की जो क्लास है सेटअप बना रहा हूँ मैं, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो अभी हमारे पास 12 और 15 के बीच में 10 रैशनल नंबर्स नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप बच्चों हम देख सकते हैं कि 12/20 and 15/20 देयर आर लेस नंबर्स बिटवीन 12/20 and 15/20। सो हम लोगों ने क्या किया, 12/20 और 15/20 में मल्टीप्लाई करी है 2 की। दिस इज़ द रूल, हमें अगर रैशनल नंबर कम मिलते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि 10 रैशनल नंबर्स होने चाहिए, अब हमें 12/20 और 15/20 के बीच में 10 रैशनल नंबर्स नहीं मिलेंगे, इसलिए हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 12/20 and 15/20 में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो हमें मिलेगा 24/40 and 30/40। अगेन 24 और 30 के बीच में ओनली 6 नंबर्स आर देयर, है ना? और जबकि 24 को अगर हम छोड़ देंगे और 30 को भी अगर हम छोड़ दें तो सिर्फ 25, 26, 27, 28, 29 5 नंबर्स वील गेट। सो हमें फिर से यही प्रोसेस रिपीट करना है अगेन एंड अगेन जब तक हमें 10 रैशनल नंबर्स ना मिल जाए। अगेन वी विल मल्टीप्लाई 2 विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो वी विल गेट 48/80 and 60/80। अब आप देख सकते हैं इसके बीच में हमें 10 सेट भी ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, है ना बच्चों? समझ में आ रहा है ना? पहले सिर्फ हमने क्या किया था, डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने के लिए मल्टीप्लाई करी थी जो भी हमें रिक्वायर हो, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है 2, 3, 4 जो भी नंबर होगा उसी से करना है जो हमें रिक्वायर है। जैसे हमें यहाँ पे 5 4s are 20 and 4 5s are 20 के लिए 4 और 5 रिक्वायर थे, तो हमने 4 और 5 की मल्टीप्लाई करी। बट जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही मल्टीप्लाई करना है, अंडरस्टैंड? आप 48 अपॉन 80
एंड 60/80 के बीच में हमें देखिए आफ्टर 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 हमें 10 चाहिए थे, हमने 10 ले लिए। तो अब यही हमारा आंसर हो जाता है। तो बच्चों आई होप कि आपको ऐसे क्वेश्चंस करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जहां पर आपको दो रैशनल नंबर्स के बीच के नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। पूरा पूरा कोर्स ना कि सिर्फ मैथ्स का बल्कि इंग्लिश, साइंस, सोशल्स, सारे सब्जेक्ट हम कवर करेंगे। रोज़ कम से कम दो वीडियोज़ मैं अपलोड करने की टारगेट लेके चल रहा हूँ बच्चों। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और सब्सक्राइब करें। आपका अपना अचिंत सर। पढ़ो लिखो मस्त रहो। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।